বহু আগে থেকে অনেক আগে থেকে আমাদের পশ্চিমবঙ্গে যে যার ধর্ম সমানভাবে পালন করে এসেছে, মুসলমানরা তাদের মহরমে অস্ত্র নিয়ে মিছিল করেছে, তাদের মতন করে করেছে। কিছুদিন আগেও কিছু মানুষ খুব ভালোভাবে অস্ত্র নিয়ে তারাও রামনবমীর দিন মিছিল বার করেছিল, কিন্তু তারপর থেকে দুটো রাজনৈতিক দলের এই দুটো জাতি নিয়ে একটা দড়ি টানাটানি চলছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত বারণ করা হয়েছে কোনো রকম অস্ত্র নিয়ে মিছিল করা যাবে না। তো এই দুটো জাতি নিয়ে, দুটো ধর্ম নিয়ে যে দুটো রাজনৈতিক দল তৃণমূল এবং বিজেপির যে দড়ি টানাটানি চলছে, সেটা আগামী দিনে এই দুটো জাতির পক্ষে কতটা শুভ, কতটা ভালো হতে পারে না খারাপ হতে পারে, এবং জাতির উন্নতি বা পশ্চিমবঙ্গের কতটা ভালো হতে পারে, আপনার বিচার কি? ऐसा है नहीं, मैं ऐसा नहीं कहा। मुसलमानों ने भी सहानुभूति प्रकट किया हिंदुओं के प्रति, कहा ना, क्या कहा? आप कहो, महरम में जैसे पहले हम समझें तब तो उत्तर दें आपको। मेरा प्रणाम। उन्होंने कहा है कि अभी रामनवमी के अवसर पर एक विशेष रामनवमी के अवसर पर एक विशेष दल द्वारा अस्त्र लेकर जुलूस निकाला गया था। तो ये इस तरह का अस्त्र लेकर जुलूस निकालना किसी भी राजनीतिक दल के लिए, चाहे जिस स्तर के भी हो, नहीं, गलती है कुछ। गुरु जी प्रणाम, मैं हिंदी में बता रहा हूँ। हाँ बढ़िया। बहुत पहले से बंगाल में जैसे मुस्लिम लोग जैसे मोहरम के जुलूस निकालते थे, वो भी शस्त्र का प्रयोग करते थे। तो थोड़े दिन पहले कुछ हिंदू लोग ने भी रामनवमी के दिन भी जुलूस निकाले, और वो लोग भी त्रिशूल विशूल वगैरह अस्त्र वगैरह प्रदर्शन किए। लेकिन ये अस्त्र वगैरह प्रदर्शन करने का जो चल रहा था, इसलिए जो दल जो तृणमूल और बीजेपी में अपने आप से लड़ाई हो गया, जो जाति को लेके, जो धर्म को लेके, तो ये जो है थोड़ा दिन पहले बोला गया था प्रशासन से कि शस्त्र लेके कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा, इसके ऊपर आरोप लगाया गया। तो ये जो बीजेपी और तृणमूल जो है, जो दो जाति को लेके, जो धर्म को लेके जो राजनीति हो रहा है अभी, ये दो जाति के लिए कितना अच्छा होगा आगामी दिन के लिए और बंगाल के लिए? ठीक है, ठीक समझ आप, ठीक है, मैं समझ तो यही रहा था, अनुवाद गलत हो रहा था। ऐसा है, कलाम जी, अब्दुल कलाम जी श्री राम सेतु को लेकर 45 मिनटों तक, जब वो भारत के राष्ट्रपति थे, मेरी बातचीत हुई है अब्दुल कलाम जी से। और आपको संभवतः पता ना हो, जब उनके शरीर को दफनाया गया, भू समाधि दी गई, तो मुसलमानों की अपेक्षा हिंदू उसमें अधिक सम्मिलित हुए। कलाम जी डंके की चोट से कहते थे, मिसाइल हमने महाभारत आदि से सिद्धांत प्राप्त करके बनवाया। कलाम जी ने मुझसे बात की तो उन्होंने एक विचित्र बात कही, अंग्रेजों को पता था कि समुद्र में प्रभु राम के द्वारा विनिर्मित सेतु विद्यमान है, लेकिन अंग्रेजों ने कभी भी उसे विखंडित करने का, विलुप्त करने का मनोभाव नहीं बनाया। फिर कलाम जी ने मुझसे कहा, मेरा तो जन्म ही प्रभु राम जी ने जहाँ सेतु बनाया वहाँ हुआ है, मुझे बहुत खेद है, कष्ट है कि स्वतंत्र भारत में राजनीतिक दल प्रभु राम के द्वारा विनिर्मित सेतु को विखंडित करना चाहता है आर्थिक विकास के नाम पर। मैंने केवल उनका नाम इसलिए लिया, मानवता के पक्षधर, सत्य के पक्षधर, न्याय के पक्षधर पश्चिम बंगाल में जो मुसलमान हो और वेदाद शास्त्रों में आस्थान्वित मानवता के पक्षधर जो हिंदू हों, ये आपस में बातचीत करके
एक आचार्य संहिता आचार संहिता निर्धारित करें तो राजनीतिक दल चाहे वो हो चाहे वो उनकी कूटनीति क्रियान्वित नहीं होगी। मैं गलत ढंग से नहीं कह रहा, एक कहावत मैंने बचपन में सुना, मियां बीबी राजी तो क्या करेगा काजी, समझ गए। मुसलमान क्या किस ढंग के हों, कलाम जैसे सूझबूझ संपन्न, और हिंदू नेता भी एक दूसरे के प्रति सहानुभूति संपन्न हों, और दोनों अपने अपने अविरुद्ध फंडामेंटल अनुगत सिद्धांत की रक्षा के लिए बंगाल की दृष्टि से एक आचार संहिता तैयार करें। अगर शक्ति का प्रदर्शन अस्त्र के द्वारा भी हो तो एक दूसरे को डराने की दृष्टि से नहीं, और अगर पक्षपात किया जाता है तो संघर्ष होता है। राजनेता अगर फूट डालकर राज्य करना चाहते हैं तो मान्य हिंदू और मुसलमानों के जो पक्षधर नेता हैं, विश्वस्त दोनों का भला चाहते हैं, वे राजनेताओं की कूटनीति को विफल कर दें। राजनेता अपने आप दोनों में सामंजस्य स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त करेंगे, समझ गए। मेरा विरोध तो आज तक कोई दलित नहीं करता, मेरा विरोध तो कोई मुसलमान नहीं करते, मेरा विरोध तो कोई कम्युनिस्ट नहीं करते, मेरा विरोध तो कोई क्रिश्चियन नहीं करते, जबकि मैं पूर्ण रूप से मनवादी हूँ। मेरे पर तो किसी का भी द्वेष नहीं है, मेरा विरोध तो कोई नहीं करता है। इसका मतलब अगर हम सबके हित का ध्यान रखते हुए आपस में संवाद पूर्वक कोई मार्ग निकालते हैं तो शासन तंत्र हमारा अनुगमन करने के लिए बाध्य होता है। शासन तंत्र की जो कूटनीति है, फूट डालो राज्य करो, तो कूटनीति अपने आप प्रशासन में पहुंच जाएगी, शासन तंत्र फिर हमारा सहयोगी होगा। अच्छा सुनिए, रसखान जी को रहीम जी को हमने अपनाया या नहीं? उत्तर प्रदेश आदि में, बिहार इत्यादि में रसखान जी और रहीम जी के जो भक्ति परक पद्य थे वो पाठ्य पुस्तकों में होते थे या नहीं? इसलिए दीनदार ईमानदार जो मुसलमान हैं, मानवता के पक्षधर, और इधर जो हिंदू हैं दूरदर्शिता संपन्न, वो दोनों पक्ष के नेता सरकार के द्वारा नियुक्त नहीं, सचमुच में परमात्मा की ओर से मानवोचितशील संपन्न जो दोनों प्रकार के नेता हैं, वो मिलकर सामंजस्य स्थापित करें, और भारत में रहने विभाजन के बाद के भारत में रहने के लिए मुस्लिम तंत्र को जिस प्रकार की मर्यादा का अनुपालन करना ही चाहिए, उस प्रकार की मर्यादा का अनुपालन करने के लिए वे पारसियों के समान लिखित एक आचार संहिता अपना पक्ष तैयार करें, तो मैं समझता हूँ कोई विवाद का प्रश्न ही नहीं है।